तो भाई लोगों क्या हाल है? सभी लोग बढ़िया, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में तहलका चल रहा है, यानी तबाही चल रही है। कहां से? साउथ इंडस्ट्री की तरफ से। दीवाना जो मूवी आने वाली है 10th of October को, जूनियर एनटीआर का बर्थडे था, कब को, कल को और फुल डे भाई साहब दीवारा ही दीवारा चला है, जूनियर एनटीआर ही एनटीआर चला है। और जो पहला सॉन्ग इनकी तरफ से निकाला गया है दीवारा का, भाई ऑसम है, सुपर सुपर सॉलिड है। बहुत कुछ तो रिवील आउट नहीं किया है, लेकिन बहुत कुछ हिंट देके जा चुके हैं कि यार कहानी आखिर होने क्या वाली है। तो आज वही बात करेंगे कि भाई सॉन्ग कैसा है, कैसा नहीं है, और हिंदी में ये जो सॉन्ग डब कराया गया है ये कितना जमा है, उस हिसाब से लोगों को कितना पसंद आ रहा है। बाकी जूनियर एनटीआर तो फुल डे भाई ट्रेंड करे ही करे हैं और लोगों को पसंद भी हैं, और इनके लिए सब लोग वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉर टू यानी वॉर टू मूवी में भी आने वाले हैं। कबीर सिंह यानी अपने ऋतिक रोशन बाबा के आमने सामने में भी, तो उस पर भी बात चल रही है। सब दोनों मूवी को लेकर ही जबरदस्त ट्रेंड था कल को। बात करें दीवारा के फर्स्ट सॉन्ग की, तो भाई सुपर सॉलिड लगा म्यूजिक वाइज, बैकग्राउंड म्यूजिक वाइज A1 है, सब कुछ A1 है, सिनेमाटोग्राफी या फिर जो भी विजुअल्स उसमें दिखाया गया है सब कुछ ए नंबर है। मजा नहीं आया बस लिरिक्स में, क्योंकि अगर काम हो जाता लिरिक्स में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाता लिरिक्स में, क्योंकि सॉन्ग पूरा डब कराया गया है तेलुगु वर्जन से, ओरिजिनल तेलुगु वर्जन से। जो हर बार मैं ये चीज कई बार बोलकर आ चुका हूँ कि भाई साहब हिंदी ऑडियंस को अगर आपको कवर अप करना है, कनेक्ट करना है, तो ये रीयूज कॉन्टेंट ऐसे जबरदस्ती का उठा के मत फेंको कि भाई अपना, मतलब अपना काम निपटा दिया और काम खत्म यहाँ से। भाई अगर हिंदी ऑडियंस को अगर आपको लेना है अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर बॉलीवुड में अलग तरीके के सॉन्ग निकाले जाते हैं। एनर्जेटिक सॉन्ग था यस, और ऐसी मासी मूवी में एनर्जेटिक सॉन्ग्स का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। लाइक पठान मूवी की अगर बात कर ले, पठान मूवी के सॉन्ग अभी तक ट्रेंड करते हैं, पार्टीज में ले लो, जहाँ पर भी ले लो, देन उसके बाद ऐसा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन के तौर पे भी ले लो, तो यस ये सॉन्ग काम करते हैं। देन उसका टाइगर 3 की बात करें, तो टाइगर 3 में भी जबरदस्त सॉन्ग था। लेकिन भाई सॉन्ग्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं मूवी को बूस्टर देने के लिए। हाँ बाकी सॉन्ग सब बढ़िया है, बस लिरिक्स में मजा नहीं आया भाई। और दूसरा, यहाँ पर कोई अच्छे से बेहतर सिंगर को पकड़ के भाई हिंदी ऑडियंस के लिए गवा देते तो और भी अच्छा था। फिलहाल मेरी नज़र में देखो एंड इन माय विजन, भाई मुझे इतना हिट करके नहीं गया ये सॉन्ग इन लिरिकल विज। बाकी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें एंड अनिरुद्ध रविचंद्र की बात करें, जो बिल्कुल भाई डीजे स्नेक का हाल देखने को मिल रहा है। डीजे स्नेक अगर आप जानते हो तो हॉलीवुड का वो सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर जो अपने कंपोजिंग के लिए, अपने यूनिक स्टाइल के लिए अलग से जाना जाता है, और ऐसे बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स वो पहले भी दे चुके हैं। तो भाई बहुत कुछ वाइब डीजे स्नेक्स की देखने को मिल रही थी रविचंद्र में। पायरेट्स की कहानी होने वाली है, वही छोटे मोटे टुकड़ियों में वही चोरी वगैरह किया करेंगे, और ये कंफर्म हो चुका है यहाँ से। बाकी कहानी कुछ पास्ट की देखने को भी मिल रही है, देन उसके बाद प्रेजेंट में भी ये फॉलो होगी। एक मसीहा टाइप का जूनियर एनटीआर को दिखाया जाएगा, जो पास्ट में अंग्रेजों के टाइम पर भी वो टुकड़ी बना के चोरी किया करते थे, एंड वही चीज शायद आगे जाके अभी प्रेजेंट में यानी इस मॉडर्न जमाने में भी देखने को मिलेगी, जो बड़े बड़े कंटेनर इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी देखते हैं मूवी में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बाकी और भी इसके सेकंड टीजर के लिए या फिर ऑफिशियल ट्रेलर के लिए वेट है, क्योंकि मूवी 10th of October को आ जानी है। बाकी वॉर 2 की बात करें, तो भाई वॉर 2 से भी जबरदस्त अपडेट आ रही है, क्योंकि फुल डे कल यही चला है जूनियर एनटीआर का हैप्पी बर्थडे, जहां पर ऋतिक रोशन बाबा ने भी अपना एंगेजमेंट अच्छा खासा दे रखा है। फर्स्ट सिंगल पोस्टर की बात चलाई जा रही है कि जल्द ही हमें देखने को मिलने वाला है, जो डेडलीएस्ट कॉम्बो पोस्टर होने वाला है दोनों का आमने सामने का। बाकी आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसलिए लगातार वीडियोस नहीं भी आ पा रही हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही। जय हिंद।